स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। फाइनली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पे टेंटेटिव कैलेंडर जारी किया जा चुका है। सभी वैकेंसीज़ का यहाँ पे शेड्यूल दिया जा चुका है, कब कौन सी वैकेंसी आएगी, कब उसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो अगर आप लोग भी रेलवे में जाना चाहते हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो ये कैलेंडर आपको देख के अपनी तैयारी अभी से इसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेनी चाहिए। एंड जो कैंडिडेट्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें भी ये देख लेना चाहिए कि कब कौन सी वैकेंसी आएगी और उनका रिजल्ट के बाद वो इसमें एलिजिबल रहेंगे या नहीं। इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे आप इन सबकी बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये है एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट, जिसमें जनवरी से मार्च के बीच का जो पीरियड दिया गया वो दिया गया असिस्टेंट लोको पायलट कैटेगरी के लिए। इसके बाद अप्रैल से जून का, यानी अप्रैल से जून के बीच में आपका टेक्नीशियन का शेड्यूल दिया गया, यानी अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे। वैसे तो मार्च बोला गया था बट अप्रैल में फॉर्म भरे जाएंगे और जून के बीच में इसका एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराने की बात की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जुलाई से सितंबर के बीच में यहाँ दिया गया है नॉन टेक्निकल एनटीपीसी ग्रेजुएट कैटेगरी का और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी का। इसके साथ साथ जेई की पोस्ट भी जुलाई से सितंबर में आएगी और पैरामेडिकल जो कैटेगरीज हैं वो भी यहाँ पर जारी होंगी। अक्टूबर से दिसंबर का पीरियड दिया गया लेवल वन यानी ग्रुप डी जो आपका वैकेंसी रहेगा उसके लिए, साथ में जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज हैं उनके लिए भी अक्टूबर से दिसंबर का यहाँ पे टाइम दिया गया है। तो ये हर साल ये एक साइक्लिक प्रोसेस होगा और हर साल इसी के बीच में रेलवे बोर्ड की तरफ से वैकेंसीज अब निकाली जाएंगी। पहले की तरह पाँच पाँच छः छः साल आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। अब उन वेट के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वैकेंसीज़ की तैयारी करना। तो तैयारी करने के लिए आप चाहे रेलवे के नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, ग्रुप डी, आरपीएफ, आरपीएस, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप सबको पता है कि सभी का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स का वो सेम रहने वाला है। तो उसमें आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प हो सकती है किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की रेलवे की बुक्स के थ्रू। यहाँ आप देख सकते हैं 2023 एडिशन मैथ है जिसमें आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, विस्तृत व्याख्या सहित आपको यहाँ पे मिलेगा। साथ में सबसे बड़ी बात है यहाँ पे 10,000 से प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके एएलपी, आरपीएफ, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन सभी में हेल्पफुल होने वाले हैं। सभी तरह के यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी कवर किए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी यहाँ पे अंदाज़ा लग जाएगा। इसी के अलावा अगर आप यहाँ पे रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको रीजनिंग की बुक भी अवेलेबल हो जाएगी। रेलवे के सभी एग्जाम में आपके काम आने वाली है मैथमेटिक्स और रीजनिंग। यहाँ पर भी आपको 8700 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। सभी तरह की वैकेंसी जो रेलवे की है उसमें हेल्पफुल होगा। सभी बुक्स की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं आप देखिए हर शिफ्ट का आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड स्टेज का सभी यहाँ के सॉल्व पेपर्स हैं। टोटल 56 सेट, 56 सेट आपको यहाँ पे मिलेगा जिसमें टेक्निकल ट्रेड के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी आपकी हो सकती है किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस से। करंट अफेयर्स में आपकी मदद करेंगे खान सर, जो कि खान सर के द्वारा लिखी गई बुक है रेलवे की। 27,000 से प्लस यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और करंट अफेयर्स का पूरा संग्रह यहाँ पे आपको 1992 से 2022 तक का मिल जाएगा। ये भी आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, जेई सभी में, पैरामेडिकल वैकेंसी सब में आपका एक काम आने वाला है। जितनी वैकेंसी का आपने कैलेंडर देखा ना उन सब में आप इससे हेल्प पा सकते हैं। तो ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। तो ये वैकेंसीज़ आप यहाँ पे देख चुके हैं जिसमें से एएलपी के फॉर्म ऑलरेडी भरे जा रहे हैं। आप लोग उसका फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा क्योंकि लास्ट डेट भी करीब आने वाली इसी मंथ में, तो लास्ट डेट से पहले पहले फॉर्म भर दीजिए, अदरवाइज़ पेमेंट वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है। जो टेक्नीशियन की पोस्ट का दिया गया, टेक्नीशियन की वैकेंसी इस बार एएलपी के साथ ना देके अलग से दी गई है, तो ये भी आपके लिए अच्छा है कि इसमें जो एएलपी में फॉर्म भर चुके हैं जिनका ट्रेड यहाँ एलिजिबल है आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी इसका एडवांस नोटिस भी आ चुका है, 9,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपको टेक्नीशियन की देखने को मिलने वाली है। 5,696 पोस्ट पर एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है। इन दोनों की तैयारी आप अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई से सितंबर के बीच में आपका एनटीपीसी का वैकेंसी आ जाएगा, जेई का वैकेंसी आएगा, पैरामेडिकल कैटेगरी की वैकेंसीज आ जाएंगी। इसके अलावा ऐसे सभी कैंडिडेट जो आईटीआई और रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं और ग्रुप डी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए लेवल वन की वैकेंसी जो है यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आएगी। इसकी भी तैयारी आप इन्हीं बुक्स के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक आपका डाउट था ना कि ग्रुप डी से जो है आईटीआई को हटाया जा रहा है क्या, मतलब सिर्फ 10वीं पास फॉर्म भर पाएंगे क्या, तो इसका कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ र्यूमर है। और आप लगभग लगभग ये मान के चलिए ग्रुप डी से आईटीआई को हटाया नहीं जाएगा। कुछ वैकेंसी ऐसी हैं उसमें जो सेफ्टी वगैरह की हैं जिसमें
दसवीं पास कैंडिडेट्स फॉर्म भर पाएंगे, बाकी सभी पे ITI यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं, रेलवे अप्रेंटिस एलिजिबल रहने वाले हैं। तो इसमें रिव्यूमर में अभी आप मत आइएगा, ऐसा कोई अभी हटाने का प्रोसेस नहीं है ग्रुप डी को रेलवे से, यानी ITI को ग्रुप डी से। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जो कैंडिडेट अभी करंट में ITI कर रहे हैं उनका रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है अगर सितंबर तक आ जाएगा तो आप सबके लिए खुशखबरी है, आप भी ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। टेक्नीशियन की वैकेंसी में आप एलिजिबल नहीं रहते, लेकिन अब आपको इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप 2025 में फिर से टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, अभी से आप तैयारी करते रहिए, उसमें आप एलिजिबल हो जाएंगे, तो उसमें आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। तो रेलवे की तरफ से इस समय करंट में कहीं ना कहीं बहुत एक युद्ध स्तर पर कह लीजिए काम चल रहा है, चाहे ऐसा कह लीजिए वैकेंसी कम है उसको कवरअप करने के लिए सब किया जा रहा है या जो भी कहिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको ये मौका गंवाना नहीं है, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपको अपनी एक सीट रेलवे में सिक्योर करनी है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।